सेमीफाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने जा रहा है। जो टीम मैच जीती वो सीधा फाइनल में पहुंच जाएगी। हालांकि आज के इस मैच में बारिश खलल डाल सकती है। अगर बारिश होती है तो इसके लिए रिजर्व डे रखा गया है। इधर देश भर में लोग भारत की जीत के लिए दुआ करते नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर में भी आज के मैच को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। भारत के प्रशंसकों को पूरा भरोसा है कि टीम इंडिया आज का मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश करेगी। पूरे वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाने वाले हिटमैन रोहित शर्मा से लोगों को आज भी उम्मीद है कि वो कमाल का खेल दिखाते हुए एक और शतक लगाएंगे। इसी वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज होने वाला है। देश भर में भारत की जीत की दुआ की जा रही है। राजधानी रायपुर में की बात की जाए तो यहाँ पर भी भारत की जीत की दुआ जो क्रिकेटर्स हैं, जो प्रशंसक हैं, जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, वो कर रहे हैं। क्योंकि बेहद कड़ा मुकाबला आज होगा और जैसे ही भारत मैच जीतती है सीधे फाइनल में वो प्रवेश कर जाएगी, लेकिन अगर हारती है तो बाहर भी होना पड़ सकता है। हालांकि कंडीशन की बात की जाए तो मैच में बारिश का भी साया रह सकता है और इसके लिए रिजर्व डे यानी 10 जुलाई को रखा गया है। लेकिन अगर उस दिन भी बारिश ने खलल डाला तो भारत सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ पर कुछ क्रिकेटर्स और कोच हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए किस तरह का मैच होने वाला है, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं, भारत फाइनल में प्रवेश कर पाएगा? देखिए, भारत तो फाइनल खेल रहा है ये तय है, लेकिन क्रिकेट जो है गेम ऑफ अनसर्टेनिटी है। देखिए, अभी तक के साउथ अफ्रीका की जो टीम थी हर उससे हारते हुए आ रही थी, लेकिन एक मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से जीत के पूरा ही ये शो कर दिया कि भाई अभी भी उनमें दम है। तो क्रिकेट जो रहता है ये अनिश्चितता का खेल है, लेकिन आज का मैच सेमीफाइनल सबको उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन भारत का पलड़ा भारी है। ये मिडिल ऑर्डर पे परेशानी अभी भारत के टॉप 3 बल्लेबाज के बाद देखा जाए तो चाहे वो केदार जाधव रहे हो, विजय शंकर रहे हो, लगातार ये फ्लॉप होते गए, तो क्या उम्मीद है मिडिल ऑर्डर को लेकर? सेमीफाइनल है तो अच्छा करेंगे। कुछ और क्रिकेटर्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करें। आप बताइए किस पे ज्यादा उम्मीदें हैं और मिडिल ऑर्डर की जो परेशानी है क्या आज दूर होगी? मेरे ख्याल से तो हार्दिक पांड्या खेल रहे अच्छा, और ऋषभ पंत है, और केदार जाधव भी अभी खेल ही पा रहे, और धोनी भी फॉर्म में है, तो परेशानी तो लग नहीं रही अभी। ये बताइए रविंद्र जडेजा खिलाना चाहिए क्या आज? वो तो टीम मैनेजमेंट में डिपेंड करता है, वो हम कैसे बता, बट मोस्ट प्रोबेबली कुलदीप यादव रिजन से पहले खेलेंगे, क्योंकि दोनों मिडिल ओवर से विकेट लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट होता है 50 ओवर्स गेम में, मिडिल ओवर से ही गेम डिक्टेट करते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली युजवेंद्र चहल एंड कुलदीप यादव। आप बताइए भारत मैच जीतेगा आज की नहीं? हाँ बिल्कुल जीतेगा मैच। इस पे ज्यादा भरोसा है गेंदबाज या बल्लेबाजी? बल्लेबाजी पर, मुझे ऋषभ पंत और रोहित शर्मा पे भरोसा। भारत है वो फाइनल खेलेगा और न्यूजीलैंड को आज करारी मात देगा। हालांकि इनका कहना है कि बल्लेबाजी को लेकर जो रोहित शर्मा जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं वो आज भी शतक लगा सकते हैं, तो ये जो चाहने वाले हैं क्रिकेट के वो भारत की जीत की दुआ कर रहे हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।